दोस्ती की है तो निभाओ भी। देखो अनु आंटी के पास डील करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हें परेशान मत करना। मुझे बताओ कि बात क्या है। दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली ये कि मुझे जॉब चाहिए। डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए कहीं बात की है, होपफुली कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। रियली? लेकिन मैंने तुमसे अब तक कुछ कहा ही नहीं था। कुछ कहने का इंतजार दुनिया करती है, दोस्ती नहीं। अब बता तुम्हारी दूसरी प्रॉब्लम क्या है। तोशु भाई, राखी आंटी ने किंजल और तोशु भाई का रिश्ता तोड़ दिया है और वो ये हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। वो पूरा दिन उदास रहते हैं, सारा गुस्सा सारी फ्रस्ट्रेशन मम्मी पे उतारते रहते हैं, क्योंकि ना वो किंजल से मिल पा रहे हैं ना उनसे बात कर पा रहे हैं। और विद इन अ वीक राखी आंटी किंजल को अमेरिका भेज रही है। Can I say something? तुम तोशु भाई को अकेले मत छोड़ना। जब इंसान दुखी हो जाता है ना, और भी ज्यादा लोनली फील करता है। You're right. तोशु भाई का तो कोई दोस्त भी नहीं है। मिस्टर शाह उनके बेस्ट फ्रेंड थे। Exactly. तोशु भाई का कोई फ्रेंड नहीं है और किंजल से अभी वो मिल नहीं सकते, तो उनका ऐसा रिएक्ट करना नॉर्मल है। ऐसे में तुम्हें उन्हें संभालना होगा। तुम उनसे लड़ो, उन्हें समझाओ, सिंग डांस कुछ भी करो, बस उन्हें अकेले मत छोड़ना। God knows डिप्रेशन में आके वो क्या कर ले। मैंने थाई करी ऑर्डर की है, जल्दी से चेंज करके आ जाओ, फिर खाते हैं। मेरे लिए दाल बना दोगी? इसके साथ चावल आया होगा ना, मैं दाल चावल खा लूंगा। वी, जितना टाइम तुम ऑफिस में काम करते हो उतना टाइम मैं भी काम करती हूँ। थक गई हूँ मैं भी, आई एम टायर्ड। कल सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ बना लूंगी, अभी नहीं प्लीज। यही सोच रहा होगा कि अनुपमा होती तो फटाफट बना देती। ओके फाइन, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देती हूँ, ठीक है? तू बिल्कुल भी चिंता मत करना दोस्तों, मैंने तेरे पापा से बात कर ली, हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। क्या रास्ता निकालेंगे मम्मी? मेरे सारे रास्ते तो आपने और पापा ने ही मिलके बंद किए। आपने सुना नहीं था कि अब किंजल की मम्मी ने क्या कहा था? कुछ नहीं हो सकता, पापा तो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने चले गए, और भुगतना किसको पड़ रहा है? मम्मी, मुझे और किंजल को। भाई आप मम्मी पे नाराज क्यों हो रहे हो? आपको जो कहना है मिस्टर शाह से कहो ना, प्रॉब्लम वो है मम्मी नहीं। मुझे तेरा ज्ञान नहीं चाहिए, जो मेरे दिल पे बीत रही है ना वो सिर्फ मैं ही जानता। और मम्मी के दिल पे क्या बीत रही है वो सिर्फ मम्मी जानती। उनका दर्द कम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बढ़ाओ मत। और वैसे भी अपने प्रॉब्लम का दोष मम्मी को देना बंद कर दो आप। समर, आपस में लड़ना बंद करो। दोस्तों हमें कोशिश तो करने देने, बात करने से बात बनेगी ना। मम्मी बात बन गई तो ठीक, और अगर बात नहीं बनी ना तो मैं और किंजल अगर कोई गलत स्टेप उठा लेंगे तो आप दोष हमें मत दीजिएगा। मम्मी मुझे लगता है राखी आंटी से आपको अकेले बात करनी चाहिए। मिस्टर शाह का ईगो इतना बड़ा है ना कि वो बात बिगाड़ के ही आएंगे। नहीं समर, कुछ बातें ऐसी होती है जो माँ बाप दोनों को करनी पड़ती है, और तोसु हमारा बेटा है तो बात हम साथ में ही करेंगे। इट्स ओके, मुझे मेरी वाइफ को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखने की आदत पड़ चुकी है। So chill. How dare you, अनिरुद्ध? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अब वी और मैं एक साथ रहते हैं। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? और तुम्हें घर की चाबियाँ किसने दी? हाँ, 100 रुपए की डुप्लीकेट चाबियाँ मिल जाती है काव्या, मैंने बनवा ली और रख ली, सिंपल।
लास्ट, अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। काव्या कितना चिल्ला रही हो तुम, कान में दर्द हो गया भाई। एंड बाय द वे, शर्म के साथ साथ अपनी मैनर्स भी बेच आई हो क्या? अरे घर पे आए हुए मेहमान को पानी वानी पिलाओ यार। कौन सा मेहमान, काहे का मेहमान? इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मार के यहां से निकालूं, उठ और निकल। तुम होते कौन हो मुझे मेरे ही घर से निकालने वाले? ये घर काव्या का है। मिस्टर वनराज शाह, लगता है कि तुम्हारे कैरेक्टर की तरह तुम्हारी जनरल नॉलेज भी खराब है। सो लेट मी टेल यू, ये घर भी मेरा है और काव्या भी। क्यों है ना काव्या? शट अप। काव्या, तुमने मेरी वो गोल्डन शर्ट फेंक दी थी ना ये बोल के कि इट्स टू लाउड। तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड तो मेरी उस गोल्डन शर्ट से भी ज्यादा लाउड है, इसे कब बाहर फेंकोगी? मैं जब भी अहमदाबाद आता हूं तो यहीं रुकता हूं, अपने घर पे। अगर तुम दोनों को इश्यू है तो तुम लोग अपना ये लव नेस्ट कहीं और बना सकते हो, पर मैं तो यहीं रहूंगा। वैसे काव्या, अगर तुम चाहो तो हम तीनों एक साथ रह सकते हैं, तुम, मैं और वनराज। छोटा परिवार, सुखी परिवार। मुझे इस छोटे से फैमिली का हिस्सा बनने में कोई एतराज नहीं है। अगर किसी को है तो वो जा सकता है। ये क्या, गीला टॉवल बेड पे? काव्या, लगता है तुमने अपने बॉयफ्रेंड को ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी है। कम ऑन काव्या, तुम मुझे इरिस्पॉन्सिबल कहती थी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मुझसे भी गया गुजरा है। मैंने आज तक कभी कोई गीली टॉवल बेड पे नहीं फेंकी। काव्या, इससे कहो कि ये यहां से दफा हो जाए। अनिरुद्ध प्लीज। ये प्लीज प्लीज क्या है? तुम इस आदमी के सामने बैक क्यों कर रही हो? वनराज प्लीज। ये प्लीज प्लीज क्या है? तुम्हें इस आदमी के सामने बैक करने की क्या जरूरत है? देखो, द पॉइंट इज कि जब तक मैं यहां अहमदाबाद में हूं, मैं यहीं पे रहूंगा। अगर तुम दोनों रहना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे भी जो आदमी पिछले 8 साल से हमारे रिश्ते में घुसा हुआ है, अब वो इस घर में भी घुसा है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट? अनिरुद्ध, वनराज, याद रखो, चिल्लाने से तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती होगी और न्यूज बनेगी वो अलग कि हस्बैंड ने अपने वाइफ को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। सुन लिया तुमने, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम इसे कुछ कहती नहीं, इसलिए साध्वी की हिम्मत इतनी बढ़ गई है। अरे घर की चाबी देने की क्या जरूरत थी इसे? वी, मैंने चाबी तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हो गई है आज। धोबी का कुत्ता हो गया हूं मैं, ना इधर का ना उधर का। तुम्हारी वजह से मैंने अपना घर छोड़ा और आज इसकी वजह से मैं तुम्हारा घर छोड़ रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। वी प्लीज ऐसा मत बोलो, ना ही मैंने इसे यहां बुलाया, ना ही मैंने इसे घर की चाबियां दी है। वी प्लीज, कहाँ जा रहे हो? भी तुम अपने घर नहीं जा सकते, तुम अनुपमा के घर नहीं जा सकते। भी प्लीज। मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें क्या, तुम बस अपने पति का ध्यान रखो, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं चाहे होटल में रहूं, कार में रहूं या फुटपाथ पे। भी प्लीज काम डाउन। अच्छा ठीक है, तुम होटल में जाके चेक इन करो, मैं सामान लेकर आती हूं। स्टॉप इट काव्या, प्लीज स्टॉप इट। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू, ओके? वी प्लीज रुको, प्लीज वी प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वी प्लीज। क्यों रुको, मैं तुम्हारे पति के साथ लूडो खेलूं यहां बैठ के और 6 आने का इंतजार करूं? मजाक बना के रख दिया मेरा। ओह गॉड, कहीं वनराज अनुपमा के पास वापस ना चला जाए।
हमें मिलना पड़ेगा। तोसु को संभालना और समझाना मुश्किल हो गया है। मुझे डर है कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। द पॉइंट इज कि जब तक मैं यहाँ अहमदाबाद में हूँ मैं यहीं पे रहूंगा। अगर तुम दोनों रहना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। धोबी का कुत्ता हो गया हूं मैं, ना इधर का ना उधर का। स्वीटी बस फोन छोड़ और खाना खा। हाँ मम्मी बस एक मिनट। एक मिनट नहीं, फोन छोड़ खाना खा। हाँ मम्मी। सुना नहीं मम्मी ने क्या कहा, पहले खाना खा। विंटर तो बीच में इंटरफेयर मत किया कर। अरे क्या करी, तू खाना खा पहले। क्या मैं खा लूंगी ना। बस तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाओ, चलो शांति से खाना खाओ। जय श्री कृष्ण। पापा कैसा मेरा बच्चा? ठीक वनराज, एकदम सही समय पे आया है। बस खाना शुरू ही कर रहे थे और बहू ने बैंगन का भरता बनाया है। आजा। नहीं पा, आप लोग खाइए। अरे बेटा ऐसे भूखा खड़ा हो तो माँ बैठ के कैसे खाना खा सकती है? थोड़ा सा खा ले, नहीं तो मेरे गले से ना निवाला नहीं उतरेगा। हाँ पापा प्लीज ना प्लीज। अच्छा बेटा खाना खाते खाते बात कर लेना। अच्छा बैठ बैठ। हाँ हाँ मुझे पता चला कि वो मिसेस दवे यहां आई थी। उस औरत से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। मैं सोच रहा था कि हमें मुझे और अनुपमा को जाकर मिस्टर और मिसेस दवे से बात करनी चाहिए। मैं तोशु की खुशी के लिए उस औरत के घर जाकर बात करने को तैयार। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।